हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन नंबर वन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं या आपकी मिसेस या कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रेग्नेंट है उसको होने वाली परेशानियों से किस तरह आप बाहर निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के बाद आपके स्वास्थ्य के साथ, आपके शरीर के साथ बहुत ऐसी अनहोनियाँ हो सकती हैं या फिर आपको कोई ऐसा रोग लग सकता है जो कि उसकी वजह से आपके बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आप उन परेशानियों से बचने के लिए रोज़ाना ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कोई भी ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपको कम से कम दवाइयां खानी पड़े और कम से कम डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े। तो दोस्तों, यह नुस्खा है बिल्कुल घरेलू। आप अगर रोज़ाना इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि आपको दवाइयां जो प्रेगनेंसी में खानी पड़ती हैं, जो बीमारियां बच्चे के साथ हो जाती हैं या बच्चे पर जो बुरा असर हो जाता है उससे बिल्कुल बच पाएंगे, उससे बचने की शक्ति आपको ये ज़रूर देगी। तो आपने करना किस तरह है, यह जो देख रहे हैं यह है अजवाइन, मोटी अजवाइन है यह, और यह है पानी। आपने रोज़ सुबह शाम खाना खाने से पहले आप यह कार्य कर सकते हैं, सुबह आप खाना खाने से पहले कर सकते हैं, शाम को आप जिस समय दोपहर और रात के खाने के बीच का समय होता है उस समय ये कार्य कर सकते हैं। सुबह शाम आपने 10 ग्राम अजवाइन एक गिलास पानी में उबाल लेनी है और उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पी लेना है। रोज़ाना आपने सुबह शाम ये काम करना है अपने प्रेगनेंसी के दूसरे से तीसरे महीने के बाद। ध्यान रखिए, जब भी आप प्रेगनेंसी में हैं, दूसरे से तीसरे महीने से आप अप हो चुके हैं यानी चौथा महीना आपको लग चुका है, तब से आपने यह कार्य रोज़ाना करना है जब तक आपका बेबी नहीं हो जाता। रोज़ सुबह शाम 10 ग्राम अजवाइन एक गिलास पानी में उबालकर थोड़ा सा गुनगुना हो जाए या ठंडा हो जाए तो आपने पी लेनी है। अजवाइन को छानकर अलग कर लेंगे, सिर्फ इसका पानी आपने पीना है। ऐसा करने से आपको जो भी उसके संबंधित रोग लगने वाले थे या फिर जो भी कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी बताने के लिए कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद तक इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें ताकि हम ला सकें आपके लिए ऐसे ही घरेलू नुस्खे रोज़ाना। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। गुड बाय दोस्तों।